सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, जैसे भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे भगवान राम और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे भगवान कृष्ण और कंस। और कलयुग में देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहते हैं, और इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी इससे भली भांति परिचित है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में से एक भागवत पुराण से प्रेरित भारत की सबसे बेहतरीन सीरीज। असुर का पहला सीजन तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये उस लेवल की सीरीज है कि अगर आप एक बार देख लें तो इससे उभरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। वो कहते हैं ना कि दिमाग को वश में कर लेना, यह सीरीज वही काम करती है। आप इसकी कहानी में इस तरह से खो जाएंगे कि जरा सी भी मोमेंट आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी। यह सीरीज जिन सवालों के साथ खत्म हुई थी, आज उस पर आपको बहस देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन सब पर डिस्कशन करेंगे और यह जानेंगे कि इस सीरीज का हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से क्या कनेक्शन है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। असुर, जो यह साबित करती है कि हमें नोर्स और ग्रीक देवी देवताओं से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर कहानियां मौजूद हैं। असुर यह प्रूव करती है कि हमारा इतिहास उनके ऐतिहासिक योद्धा किसी पाश्चात्य सभ्यता के मोहताज नहीं है। इस सीरीज को देखने के बाद जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मर्डर करने के बाद असुर सबकी उंगलियां क्यों काट लेता है। तो यहाँ पर एक थ्योरी यह कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पिता उंगली दिखा दिखा कर उसे धमकाते थे, उसे ताने मारते थे। तो दूसरी थ्योरी यह कहती है कि ऐसा करके वो भगवान विष्णु को चैलेंज कर रहा है क्योंकि वो उसी उंगली को काटता है जिसमें वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल यह आता है कि लास्ट में यह सीरीज जिस सस्पेंस पर आकर खत्म होती है कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं वो बदला लेने के लिए हो रहे हैं या खुद की ट्विस्टेड फिलॉसफी को सही साबित करने के लिए। एक थ्योरी के मुताबिक असुर कलयुग में रहने वाले सज्जन और बेकसूर लोगों की हत्या करके धरती पर पाप बढ़ाना चाहता है ताकि भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर अवतरित हों और असुर अपना बदला ले सके। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये मर्डर्स असुर अपनी ट्विस्टेड फिलॉसफी को सही साबित करने के लिए ही कर रहा है। तीसरा सवाल, असुर ने अपने अपराध में निखिल को क्यों शामिल किया? सारे मर्डर्स को कोऑर्डिनेट करके उसे क्यों भेजता है? और जब वो इतना ही बड़ा जीनियस है तो मर्डर्स करने के लिए निखिल की मदद क्यों लेता है? तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि असुर महाभारत के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जिस तरह धर्मराज अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाकर उनकी मदद ली थी, ठीक उसी तरह असुर भी खुद को धर्मराज समझ रहा है। उसे यह लग रहा है कि यह सब करके वो अपना धर्म निभा रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है, लेकिन इस थ्योरी का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। खैर, इतना जरूर है कि असुर हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा ज्ञानी है। चौथा सबसे जरूरी सवाल कि आखिर वो लोगों को मार क्यों रहा है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है और मर्डर्स के लिए वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ एक थ्योरी कहती है कि वो खुद को प्राचीन काल के एक राक्षस कलि का अवतार मानता है और वह यह चाहता है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर आए ताकि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। कल्कि दरअसल भगवान विष्णु का दसवां और आखिरी अवतार है जो कि भागवत पुराण के अनुसार इस कलयुग में अवतरित होकर इस दुनिया को विनाश से बचाएगा। यह अवतार तब अवतरित होगा जब दुनिया में पाप अपनी चरम सीमा के आगे हो चुका होगा, पूरी दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होगी, इंसानियत की कहीं कोई उम्मीद ही नहीं नजर आएगी, यानी कलयुग अपने आखिरी स्टेज में होगा। वैसे कल्कि अवतार सिर्फ भागवत पुराण में ही नहीं बल्कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। इस सीरीज में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो टोटली डिबेटेबल है। हम चाहे जितना भी अंदाजा लगा लें, लेकिन
इनके सारे सवालों के जवाब हमें इसके दूसरे सीजन में ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस सीरीज में दिखाए गए कुछ फैक्ट्स और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में। अगर इस सीरीज के एक और पहलू पर गौर किया जाए तो ये टोटली चाइल्ड बुलिंग एंड अब्यूजिंग पर बेस्ड है। जैसा कि हमें बताया और सिखाया जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपको बचपन में ही सिखा दिया जाए कि दुनिया थी रहेगी, तो भैया आपको दुनिया ऐसी ही मिलेगी। ये फैक्ट है। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, अगर उसको समझ गए तो आगे बहुत काम आएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। और ये बात इस असुर पर पूरी तरह से लागू होती है। इसमें एक और दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी का जिक्र किया गया है, लॉ ऑफ कर्मा। हमें बचपन से ही यह रटा दिया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन दिखने में जैसा लग रहा है ना भाई, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते। इस बात को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी ने अच्छे से समझाया है। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। और इसे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से एक द सीक्रेट को पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अब तक तो आपने इसे पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो समय निकाल कर जरूर पढ़िएगा। ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। इस सीरीज की सबसे अजीब बात यह लगती है कि जब भी इसमें किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो बार बार माइथोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है यार, ये हमारा अखंड इतिहास है। मतलब लोगों को अपने ही इतिहास पर भरोसा नहीं है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इस सीरीज में जो भी कहानियां बताई गई हैं, उन सभी का हमारे वेदों पुराणों और उपनिषदों में वर्णन किया गया है। देवताओं और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, धर्म और विज्ञान में कौन सही है कौन गलत है, ऐसे तमाम सवाल जिनका गहन चिंतन किया जाना जरूरी है। इसका जवाब आपको धर्म ग्रंथों में मिल जाएगा। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि न ही इसमें धर्म का मजाक बने और न ही विज्ञान का। यह सीरीज आइंस्टीन के वर्ल्ड फेमस कोट को भी फॉलो करती है, जो कि यह कहता है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसमें बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहां कभी आपको धर्म सही लगेगा तो कभी विज्ञान, लेकिन लास्ट तक आते आते आपको यह समझ में आने लगेगा कि असल में सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है। ये बस सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से देखता है। अब जैसा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे, कोई सेंस है इस बात की? लेकिन सीरीज की ग्रेटनेस आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देने देगी। सच कहा जाए तो ये भारत की एक ऐसी सीरीज है जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, तो इसका दिल से एप्रिशिएशन तो बनता है। तो वो तो थी पहले सीजन की बात, अब इसका दूसरा सीजन भी आ गया है, उसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो अगर आपने इस मास्टरपीस को एक्सपीरियंस कर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।